गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलता रहूंगा राह पर, चलता रहूंगा राह पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल, मंजिल तो मिलेगी और अच्छा मुसाफिर बन जाएंगे तभी मिलेगी। तो भाई, चलते रहना है अपनी राह पर। इस समय जैसे कि आप जान रहे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं, आप लोग क्लास देख रहे हैं, लेकिन ये क्लास रिकॉर्ड हो रही रात्रि के 12:45 पर, जिससे कि आप लोग सुबह देख सके। तो चलिए, आप लोगों के इस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए और अभ्यास 5C, जैसे कि आप जानते हैं, एक अच्छा दस NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार आपकी ये क्लासें आगे चल रही हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि ये सिलेबस कुछ गड़बड़ है, आपके बुक से नहीं मिल रहा है, तो कमेंट करिएगा। ये 10वां सवाल है, नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि खत्म हो गया, बस एक दो क्लास और होगी। आज की क्लास लंबी होगी, आप जरूर देखिएगा। ये 40 मिनट से कम नहीं होगी, हमारी प्रॉमिस होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इजी है, वेरी सिंपल सा है, बाबू इसको बस आपको समझना है। कह रहा कि एक समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं, के 15 पदों का योगफल 0 है। यदि चौथा पद जो है वो 12 है, तो 12वां पद क्या होगा? देखिए, कह रहा है कि कोई समांतर श्रेणी दी गई है जिसके 15 पदों का योगफल 0 है। तो पहले तो इसमें हमें ना तो प्रथम पद दिया है, ना कोई श्रेणी दी गई है, ना सर्वांतर दिया गया है, तो बिना कोई हथियार के लड़ाई नहीं होती है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें मानेंगे। तो जल्दी से मान लीजिए, माना प्रथम पद क्या मानेंगे, ए, क्योंकि ये डिफॉल्ट में इसको मानते हैं, है ना। सर्वांतर इक्वल क्या मानते हैं, डी, कॉमन डिफरेंस। अब हमें सर्वांतर अगर मालूम हो जाएगा, प्रथम पद मालूम हो जाएगा, कह रहा कि 15 पदों का योगफल 0 है। अब आप सूत्र लगाएंगे, श्रेणी के योग वाला सूत्र, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा SN इक्वल क्या होता है, N अपॉन 2 और 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। कह रहा 15 पदों का योगफल 0 है, मतलब कि कहने का ये है कि ये 0 है ना, यही तो है ना भाई, ये 0 है। यानी यहाँ क्या रख सकते हैं आप, इसको एक लाइन और पढ़ा लीजिए, यस 15, ये हो जाएगा 15/2 और 2 into a वही रहेगा, क्योंकि a का वैल्यू a ही है, n का वैल्यू हो जाएगा 15 माइनस डी का वैल्यू वही रहेगा। इस तरह से ये 0 है बता रहा है, और ये 15/2 और ये 2a वैसे रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 14d। अगर इसे आप काटने की कोशिश करेंगे, इसमें से 2 कॉमन हो सकता है, आप लोग उसको कॉमन निकाल लेंगे, और निकालने के बाद आपके सामने आ जाएगा ये 15/2, जिसमें से आप 2 कॉमन निकाल लेंगे अंदर से, तो ये a प्लस 7d बचेगा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो कम्प्लीटली आपका ये आएगा क्या, यहाँ देखिएगा, एक इक्वेशन बनेगा, जो कि बनेगा 15 into a + 7d = 0। ये समीकरण नंबर 1 बन गया, है ना। ये सवाल नंबर आप देख रहे हैं, कौन सा, 10वां देख रहे हैं। देखिए, इसमें आप लोग एक काम कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा काम है। वो एक काम ये है कि आप जो इधर 15 दिख रहा है ना, इस 15 को आप भेज दीजिए उस साइड पड़ोसी के घर। जी हाँ, बिल्कुल, इसको 0 के उस साइड भेज दीजिए, तो ये 15 भी हो जाएगा ख़त्म। देखिए, इधर ये क्या है, गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और a प्लस ये 7d = 0 हो जाएगा, समीकरण 1 इसको लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसको नहीं समझ में आया बताएगा, ये 15 इधर गुणा में है, उधर जाएगा 0 के भाग में हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। ये हो गया पहली कंडीशन ख़त्म, श्रेणी के 15 पदों का योगफल 0 है, हमने उसको कर लिया, हमें एक परिणाम मिल गया है। आगे कह रहा था, इसमें ध्यान दीजिए, यदि चौथा पद 12 है, तो 12वां पद क्या होगा। चौथा पद, ये पदों वाला एक फार्मूला होता है, आपने देखा होगा, अरे बचपन में नहीं देखा होगा, अभी 2 दिन पहले देखा था, वो कौन सा है, इसको नोट कर लिया ना, जल्दी से वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, तो मैं मिटा करके इसी पे लगाता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, नहीं तो आप लोगों के लिए हो सकता है कुछ दिक्कत हो जाए। और हाँ, लेकिन यहाँ पे जगह भी तो है ना भाई, ये क्या
धनिया बोने के लिए इतना बड़ा बना हुआ है। चलिए इधर लगाते हैं, अभी बहुत जगह है। हम ये देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, कह रहा श्रेणी का चौथा पद, लिखिए यहाँ पे श्रेणी का चौथा पद, ये दूसरा भाग होगा उसी में। अभी उत्तर नहीं आया, चौथा पद 12 है। और आप एक फार्मूला जानते हैं, टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, यही तो होता ना फार्मूला, मिला लीजिएगा भाई, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सही है ना, बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकता है, सही है और एकदम सही है। तो इसी में रख दीजिए, 12वां पद का मान कितना है, चौथा पद जो है वो 12 है। क्या बोल रहा है भाई, ये चौथा पद 12 है, यही तो दिया ना आपकी किताब में कि ये कैसे दिया है। हाँ ठीक है ठीक है, तो चलिए चौथा पद हम लोग रखेंगे क्या, 12। तो यानी ये टी फोर इक्वल ए प्लस ये 4 माइनस 1 इंटू टी हो जाएगा, और चौथा पद यानी ये 12 है तो ये ए प्लस से घट जाएगा तो 3D, यानी कि ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड 12 इक्वल ए प्लस 3D, है ना। इसको नोट कर लीजिए, समीकरण हो गया आपका 2। ठीक, क्लियर। अब आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हल करेंगे तो आपके पास ये ए और डी के जो छुपे रुस्तम हैं ये बाहर आएंगे निकल करके, और इन्हीं का प्रयोग करके आप पूरा इसको सब क्लियर कर देंगे, है ना। वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, फिर हम साइड में इसको लेकर के चलते हैं और उधर निपटते हैं इससे, है ना। कर लिए, देखिए साइड में इसको हम आपको दिखाएंगे और गौर करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। वैसे तो आपको दिखेगा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी फिलहाल, अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, नो प्रॉब्लम। अब आप यहाँ पर लिखेंगे सीधा सीधा से, सभी लोग लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक और दो से दोनों को लाइए, फटाफट लिख लेते हैं इकट्ठा, तब मज़ा आएगा कि क्या इसमें करना है, मालूम हो जाएगा। ये है 0, इसमें भी इसका दूसरा भाग दूसरे साइड ही हम भेजेंगे जिससे कि आपको समझ में आए। देखिए 12 इसमें पहले था ना, उधर बाद में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं आप। तो ये अब आप इसे जोड़ देंगे, जोड़ेंगे अगर देखिए तो सब जुड़ जाएगा क्योंकि चिन्ह एक समान है। इसे आप घटाएंगे तो ये घटाने पर चिन्ह सब होता है बदल जाता है, एक कट जाएगा और ये आपका आएगा 4D इक्वल माइनस 12। फिर आगे का होगा, आगे का होगा 0 माइनस 12 होगा, 12 आएगा और D इक्वल क्या आएगा यहाँ से माइनस 3। देखिए माइनस 3 आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल, D का मान माइनस 3 आ गया। अब आप A का मान आसानी से निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको कोई ज़्यादा मंत्र नहीं पढ़ना होगा, बस फटाफट इस मान को ढकेल दीजिए दूसरे समीकरण में, यहाँ पे लिख दीजिए, किसी भी समीकरण में लिख दीजिए, समीकरण एक में डी का मान रखने पर, एक समीकरण जो बना था वो था ए प्लस 7D इक्वल 0। अब आप रख देंगे ए प्लस 7 इंटू डी की जगह पर माइनस 3 इक्वल 0, और ये हो जाएगा ए माइनस 21 बराबर 0। यहाँ से जब आप ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए इक्वल 21 पाएंगे। तो कह क्या रहा था, उत्तर तो आपका आ गया ना आपके सामने, ए और डी का मान आ गया। अब आप 12वां पद का मान निकाल लीजिए फटाफट वही फार्मूला में रख करके, कौन से जिसमें अभी आप कर रहे थे, ए और डी का मान हो गया ना, क्लियर है। ए का मान 21, डी का मान 3, इनको नोट करिए क्योंकि ये पूरा बोर्ड भर चुका है ये। अब हम इनको मिटाएंगे और फिर 12वां पद निकालेंगे, जल्दी करें, वीडियो को रोक लें और तुरंत लिख लें। देखिए जिसको नहीं दिख रहा है वो बिल्कुल परेशान हैरान नहीं होगा, मैं तुरंत उसको सब कुछ क्लियर कर देने वाला हूँ। स्क्रीन शॉट ले लीजिए थोड़ा थोड़ा टॉपिक का फटाफट, देखिए ये पूरा टॉपिक है जिसमें आपका पहला सबसे पहला पार्ट इधर साइड आपको दिख रहा है, ये माना प्रथम पद जो लिखा गया इधर पहला पार्ट है, फिर बीच से लाइन खींची गई है, फिर 15 × 7 + 3D = 0 ये दूसरा पार्ट है, और फिर बगल में है आपका तीसरा पार्ट। इसको मैं एक बार में आपको दिखा दूँ तो आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले करके फटाफट छाप लीजिए अपनी कॉपी में, और फिर चलते हैं नेक्स्ट पढ़ाओ पे। अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, देखिए ये आपको समझाने में ज़्यादा वक्त लग सकता है,
ये मत सोचिएगा एक एक सवाल में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है। कुछ लोगों का ये ऑटोमेटिक उठने लगता है कि भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो देखिए, इसको अगर हमें लगाना है, छापना है, तो अलग बात है। अगर हम आपको सोच रहे हैं कि आप लिख भी लें और समझ भी लें, तो फिर थोड़ा सा वक्त तो देना पड़ेगा ना। और लिख लिख के मिटाना है तो फटाफट मैं मिटाता जाऊँ, लिखता जाऊँ। चलिए, आप पारों पर निकालते हैं, श्रेणी का पारों पर निकालना है। फार्मूला वही लगाएंगे और सभी का मान रखते जाएंगे। लिखिए, बारहवा पद निकालना था। अब लिखिए, बारहवा पद इक्वल ए प्लस एन माइनस एन इंटू डी, तो रख देंगे। बारहवा पद मतलब कि टी ट्वेल्व, ए का मान आया था 21 प्लस एन का मान का रखेंगे 12 रखेंगे, क्योंकि बारहवा पद निकाल रहे हैं। और ये माइनस 3 हो जाएगा 21। देखिए, इसमें से घटेगा आएगा 11, 11 का माइनस 3 में गुणा होगा, उत्तर आएगा माइनस में। और ये प्लस माइनस का जब लफड़ा होगा तो ये हो जाएगा माइनस, और टोटल में ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखिए, 10 ही तो आ रहा है, कुछ गड़बड़ आ रहा है ना। 33। देखिए, इसके आपके जो बुक में आंसर दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। और वो क्यों गड़बड़ हो रहा है, उसका रीजन क्या है कि जो ए का मान है ना, वो किस में दिया था, प्लस में दिया था कि माइनस में? हाँ, 21 माइनस 33 होगा ना। देखिए, ये 11 आएगा, 3 में गुणा होगा, 33 होगा। सो सॉरी, इसको आप लोग चुपके से लिख लीजिए, माइनस 12 है ना। 12वां पद कितना आया, माइनस 12, नोट कर लीजिए। 12वां पद कितना आया, माइनस 12। तो लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल आपको दिखाते हैं, तुरंत फटाफट करते हैं। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा पीछे करके देख लीजिए, जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए और कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। चलिए, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। लेकिन मित्रों, 12 के पहले हम लोग देखेंगे 15। उसका रीजन क्या है कि 15 नंबर सवाल बहुत आसान है, 12 वाला थोड़ा सा लफड़ा वाला है, वो यम यन वाला है, उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप लोग क्लास छोड़ के भाग जाएंगे। इससे अच्छा आप इसको समझ लें और फिर लास्ट में उसको लगाएंगे, जिनको देखना होगा देखेंगे, नहीं तो खिसक लेंगे। चलिए देखिए, करण निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित समय के बाद कार्य के विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माने लगाने का प्रावधान है। इसको मैं आपको शुद्ध हिंदी और देसी भाषा में ऐसे बताऊं कि जैसे आपके गांव में या फिर आपके सिटी में सड़क बनती है, तो वहां पे एक पहले बोर्ड लगाया जाता है, उसमें लिखा जाता है फलाने के द्वारे से लेकर के और फलाने के बगिया तक ये मतलब सड़क बनेगी, जिसकी लंबाई इतना होगी, इसकी चौड़ाई इतना होगी, इसमें इतना लागत आएगी, ठेकेदार का नाम ये होगा, ऐसे ऐसे लिखा जाता है। सभी लोगों ने देखा होगा, उसमें टाइम भी दिया होता है कि 4 फरवरी 2019 से लेकर के और ये 9 मई 2019 तक पूरा हो जाएगा, टाइम दिया होता है ना। लेकिन अगर उस टाइम पे नहीं पूरा होता है तो जो जुर्माना लिए रहते हैं साहब ठेकेदार जो होते हैं उनके ऊपर, मतलब सॉरी माफ करिएगा, जो ठेका लिए रहते हैं उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन आजकल तो जुगाड़ चलता है, तो जुगाड़ में तो रजिस्टर पहुंच जाता है, कागज वहां कंप्लीट हो गया, वहां चाहे नवे हो पूरा। आगे देखिए, इसको कैसे करेंगे, समझ गए ना, क्वेश्चन का मतलब समझ गए, क्वेश्चन इसी के आधारित है, बिल्कुल सेम टू सेम। कह रहा कि किसी निर्माण कार्य से संबंधित ठेके में एक निश्चित समय के बाद जुर्माना लगाने का प्रावधान है, और जुर्माना कुछ इस तरह से लगता है कि अगर कार्य को जिस समय पे कहा गया था उससे अगर कोई एक दिन लेट करता है तो ₹50 जुर्माना पड़ता है। कितना पड़ता है, ₹50, है ना। तो दूसरा दिन कितना पड़ेगा, 100। लेकिन यहाँ कुछ और है, देखिए कैसे, पहले दिन का जो जुर्माना है वो ₹200 है, दूसरे दिन का है 250, तीसरे दिन का है 300। यहाँ आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा एक बात चल रही होगी कि पहले दिन का अगर जुर्माना जो है वो का है 200 है, दूसरे दिन का 250 है, तीसरे दिन का 300 है, तो अब ये गाड़ी आगे इसे बढ़ती चली जाएगी 350, ऐसे ऐसे जितना दिन लेट होंगे ठेकेदार उतना जुर्माना भरते जाएंगे, ये है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे क्या कहना है, एक समांतर श्रेणी बन रही है, 50 इसका समांतर है ना, तो लिख दीजिए फटाफट। आगे क्या कह रहा है,
एक ठेकेदार को कितनी धनराशि देनी होगी यदि वह कार्य को 30 दिन विलंब में पूरा करे, मतलब कि एक महीना लेट कर दे सीधा सीधा, तो कितना जुर्माना चुकाएगा ये आपको बताना होगा, है ना। तो चलिए हम सभी लोग देखते हैं कि कितना जुर्माना चुकाएगा और क्या नहीं चुकाएगा। तो लिखिए फटाफट, 30 दिन बाद जुर्माने की राशि भाई बढ़ता जाएगा, यानी कि इसका योगफल निकालना सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 30 दिन बाद जुर्माने की राशि, आप लोग अच्छे से लिखिएगा, हम थोड़ा सा गंदा गंदा लिख रहे हैं, जुर्माने है ना, ऐसे तो रहेगा, जुर्माने की राशि, यानी कि इस श्रेणी का योगफल होगा उसका उत्तर। तो योगफल चलिए निकाल लेते हैं, हम यहाँ से निकालेंगे यस एन इक्वल एन अपॉन टू, और ये होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यस एन मतलब कि कितने की है ये श्रेणी, एन मतलब अंतिम पद ना, कितने की है ये श्रेणी, देखिए इसमें कितना पद की बात हो रही, 30 ना, 30 की बात हो रही है, क्योंकि 30 दिनों तक जाएगा ये, कब तक जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे आप लिख देंगे 30 दिन तक, यानी कि एन का मान क्या रखेंगे, 30 रखेंगे, ये हो जाएगा यस 30 इक्वल 30 बटा 2, और ये 2 इंटू, यहाँ देखिए मैं आपको ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आप पहले समझ चुके हैं, ये पहला पद है यानी ए का मान है, और देखिए सभी में 50-50 का अंतर है एक दूसरे में, यानी डी का मान जो है वो 50 है, तो ये आप ए का मान रख देंगे 200 प्लस ये 30 माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा 50, हल कर लेंगे, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 400, घटाएंगे आएगा कितना 29 आएगा, 29 का 50 में जब गुणा कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, 29 का गुणा 50 में किसी को मुश्किल ना हो, जीरो डाल लो यहाँ पे फटाफट, 5 का गुणा 5 ना 45, 80 लावा 4 और 5 दूना 4 4 और 24, गड़बड़ हो रहा है, देखिए 5 दूना 10 4 14 हो भाई, 14 का 24 नहीं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, सही ना, 5 ना 45 हासिल लाया 4 और 5 दूना 10 4 14, ये होगा 1450। देखिए भाई कुछ टाइम ओवर हो जाता है ना, दिमाग थोड़ा थोड़ा ये सुस्ताने लगता है और इसी वजह से कुछ गड़बड़ाता है, और हर दिन आपकी क्लास जो है 10th वाली इसी टाइम रिकॉर्ड होती है, इसी वजह से आप देखते होंगे क्लास 10th में थोड़ा थोड़ा आपको लफड़ा लगता होगा बीच बीच में, है ना, इसको जोड़ देंगे 14-4 हो जाएगा 1850, और आप जब पूरा कर देंगे 15 का किस में 1850 में, सभी लोग जल्दी से पूरा करके बताइए कितना आएगा, फटाफट सभी लोग गुणा करें, कर लिए, देखिए सिंपल सी बात है, गुणा करने का मैं आपको तरीका बता दूं, बहुत आसान है, एकदम हलवा है, इसको कैसे करेंगे समझिएगा, देखिए 15 का गुणा 0 में करेंगे, सिंपल सी बात है, 0 कर लिए, अब आपको 15 का गुणा करना है 185 में, सिंपल सी बात है, 15 पचे होता है कितना 75, ये होता है ना 15 चौका 60, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7 और 15 8 120 होता है, 15 105 होता है, तो 15 8 120 होता है, तो 120 जो हुआ उसमें 7 जोड़ देंगे 127 हो जाएगा, 127 ऐसे लिखा जाता है, लवकत बना, कौन सा लैंग्वेज है, देखिए ये क्या हो जाएगा 7 हासिल है 12, अब 15 एकम 15 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा जानते हैं, जैसे 5 में 5 जोड़ते हैं 10 होता है, अगर 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 होता है ना, उसी तरह से ये 15 में 12 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया कि वो ठेकेदार जी 27,750 रुपये जुर्माना भरेंगे अगर काम देरी में पूरा करते हैं तो। लेकिन ये कहाँ लागू होता है इंडिया में आजकल, अगर यही लागू होता तो आजकल इंडिया जो है ना ये विकासशील में दौड़ रहा है ना, अब तक विकसित हो गया होता चाइना अमेरिका की तरह, ये होता नहीं है जुर्माना वगैरह, सब पास हो जाता पहले से। चलें आगे अगले सवाल पे, समझ लीजिए ना इसको, नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए, कर लिए सभी लोग,
अगला सवाल आपके सामने आ जा रहा है, बस तुरंत बस थोड़ा सा इंतजार करिएगा। देखा भाई, अगला सवाल के उत्तर जो बना वो दिया है, और दिया कैसे है इधर देखिए, कह रहा सिद्ध कीजिए। अगर कहीं आ गया सिद्ध कीजिए तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, ऐसे मुझे बताना नहीं चाहिए आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि पहला नंबर तो आप पूरा अपना 100% इसमें लगाइए, इसको सिद्ध कर दीजिए, और अगर कहीं बीच में आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ा रहा है ना, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, शुरू में हल करिए अच्छे से, लास्ट में भी हल करिए, और अंत में क्या करेंगे, अंत में जो सिद्ध करना रहे ना उसको सुंदर सा लिख के लिख दीजिए यदि सिद्धम, और उसको अच्छे से घेर दीजिए, फिर देखिए आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। हाँ, लेकिन ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पढ़िए मत, बस पेपर में ऐसे जुगाड़ लगा दीजिए, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि अगर बीच में थोड़ा भी कहीं गड़बड़ हो रहा है तो आप सवाल को मत छोड़िए ना, काटिए उसको। ये मैं बोर्ड एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, विशेषकर यूपी और बिहार वालों के लिए, ठीक ना। तो आगे चलूँ, देखिए ये सिद्ध करना है, इसका मतलब इसमें उत्तर दिया गया है, जो आएगा उत्तर वो दिया गया है। हाँ, उसके पहले हमारे सर जी क्या बोलते थे, कहो अगर हम ना बोली तो आप लोग का समझ में नहीं आओ उसका, इसका मतलब जानते हैं, जैसे फीस वगैरह के लिए होता था बीच में बोलते थे, तो यहाँ हम आपसे फीस तो नहीं मांगते फिलहाल, वैसे अगर हम भी ना बोले तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि आप लोग क्लास को लाइक तो कर देना, तुरंत कर दिए। हाँ, तो बिना बोले भी समझा करिए, अगर आप लोग तो बोलना ना पड़े तो। चलिए देखते हैं फिर इसको हल करते हैं कैसे होगा, इसमें क्या क्या दिया है। किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद वन अपान्यत, यमवा पद दिया है लेकिन यमवा यमवा पद से कोई मतलब नहीं होगा जब तक बेसिक नहीं मालूम होगा। तो पहले हम मानेंगे इसमें प्रथम पद, मान लीजिए फटाफट, माना श्रेणी का, भाई इसको सुंदर से लिखिए नहीं तो कोई देखेगा नहीं। और हाँ, अगर आप लोगों को कुछ गड़बड़ लग रहा हो क्वालिटी वगैरह तो सेटिंग से चेंज कर लीजिए, बिल्कुल फुल एच डी क्वालिटी दिख रहा है, अब किसी की हम शिकायत नहीं सुनने वाले हैं, इसलिए इसको हम 2 बजे रात में भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, बिल्कुल फुल एच डी क्वालिटी है। 1920x कितना 1280 पिक्सल में देखिए, ये हो गया प्रथम पद और सर्वांतर। कह रहा कि यमवा पद जो है यन है, तो आप यमवा पद का पहले फार्मूला लगाइए, इधर साइड में लिखिए यमवा पद इक्वल क्या है, 1/n है, तो यमवा पद मतलब कि tm इक्वल, यही तो होता है ना यमवा पद के लिए, कौन सा, अरे वही जो अब तक लगाते आए हैं, a प्लस n माइनस 1 × d है ना। तो फार्मूला लगाइए फटाफट, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं n इक्वल a प्लस n माइनस 1 × d। अब हमें यमवा पद निकालना है, इसलिए n की जगह पे m हो जाएगा, और a प्लस m माइनस 1 × d कहलाएगा, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट बन जाएगा, कहो ऐसे तो बनेगा ना, ठीक ना। ये कौन सा सवाल है, 12 नंबर है ना। इसके बाद आप लोग देखेंगे 15 नंबर जो कि हो चुका है, उसके अगला वाला क्वेश्चन, ध्यान से इसको नोट करिए फटाफट फटाफट नोट करिए, जिसको जिसको नोट करना है देर ना करें, क्योंकि अगर आप लोग नोट नहीं करते हैं तो बाद में हम रुकते नहीं हैं, फिर आप लोग को हैरानी होने लगती है। तो चलिए, ये तो हो गया आपका, मान लेते हैं कि यमवा पद जो कि दिया गया था, कितना दिया था, 1/n दिया था, तो इसे आप 1/n लिख दीजिए, चाहे तो इधर लिख दीजिए और चाहे तो उधर लिख दीजिए, मतलब की बात एक हुई, ये समीकरण एक यहाँ लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और एक ही दिया है, यमवा पद दिया है, चलिए यमवा पद निकालते हैं, इधर है साइड में लिखिए फटाफट, श्रेणी का यमवा पद 1/m, तो यमवा पद मतलब tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 × d, यानी n का मान यहाँ पे n रहेगा, यमवा पद की बात बोल रहा है तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, फटाफट छापिए फिर हम लोग आगे चलते हैं, जल्दी करें देर ना करें, जल्दी करें देर ना करें, हो गया ना।
तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फटाफट कुछ नया करते हैं। समीकरण एक हो गया, समीकरण दो होगा। देखिए इसमें ए प्लस है, ये बी प्लस है, तो आप इधर साइड में लिख लीजिए सभी लोग, किसी को कोई आपत्ति ना हो। तो समीकरण एक और दो से, तो दोनों समीकरण यहाँ पहले हम लिखेंगे तभी कुछ होने वाला है। इसको हम सीधा करके लिखेंगे जो उलट पलट के लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और हो भी जाए तो समझने की कोशिश करिए। देखिए सिंपल सी बात है, समीकरण एक और दो से लिख दिया, बट जोड़ना घटाना नहीं लिखा कि क्या करेंगे। आप यहाँ पे अनुमान लगाएंगे, अगर इसे आप जोड़ेंगे तो सब जुड़ जाएगा, कोई कटे पटेगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे नहीं। यहाँ हमारा उद्देश्य होता है कि एक का मान कट जाए एक आए, तो यहाँ ए ए कट जाएगा अगर घटाएंगे तो, क्योंकि यहाँ चिन्ह बदल जाएगा और फिर दूसरा आएगा, तो जो आए उसको लिख दीजिए, वो क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, इसका मल्टीपल हो जाएगा, ये हो जाएगा यम डी माइनस डी, नहीं तो इसको ऐसे साल्टे में लिख लीजिए, अभी मत है गुणा करिए, डी इक्वल यम माइनस वन माइनस यन माइनस वन इंटू डी इक्वल वन अपान यन माइनस वन अपान यम। क्लियर, नोट करिए जल्दी जल्दी फटाफट, बहुत आसान है लेकिन ये 10th की मैथ है। अगर कुछ लोग देख रहे होंगे जिनको जीरो लेवल का बेसिक भी नहीं आता है ना, तो उनके लिए ये बहुत कठिन लग रहा होगा और वो सोच रहे होंगे हे भगवान ये सब क्या हो रहा है ना। कर लिए ना, चले आगे। तो चलिए फिर ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग भी इसमें कुछ उपाय लगाते हैं कि क्या होता है और कैसे होता है। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें दोनों में जो है ना वो क्या है, डी है सभी में। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, डी को काट सकते हैं हर जगह से, और कैसे काटेंगे उसको मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। डी को आप चाहे काट दीजिए चाहे गुणा करिए, ये हो जाएगा डी का यम में डी एम माइनस डी, और माइनस ये हो जाएगा एन डी, और प्लस डी इक्वल ये गुणा होगा यम माइनस एन अपान यम एन। देखिए डी डी वैसे भी कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस है, इन दोनों में एक डी कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा यम माइनस यन इंटू डी और इक्वल यम माइनस यन अपान यम एन। अब ये आपका जो यहाँ पे आके मसला फंस रहा है ना, वो गड़बड़ थोड़ा सा करेगा, लेकिन अगर आप इसे हल करेंगे तो ये आपका इक्वेशन और भी आसान कर देगा। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, डी का मान निकाल लेंगे, और डी का मान निकालना यहाँ बहुत ही आसान है। कैसे, इधर देखिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, वीडियो को रोक के तुरंत, फट से तुरंत रोक करके वीडियो को फर्स्ट लाइन लिख ले, फर्स्ट स्टेप वाला कर लिए, जिनको लिखना है इधर शुरू वाला लिख लीजिए, लिख लिए ना, चले आगे। अभी इसको लास्ट में हम पूरा दिखाएंगे। अब क्या करेंगे, वही जो मैटर उधर आया है उसको हम इधर लाके से सॉल्व कर देंगे। तो ये डी इक्वल हो जाएगा, उधर साइड है यम माइनस यन अपान यम एन, इधर ये गुणा में है उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, मतलब यम माइनस यन हो जाएगा। अब इसमें आपके लिए मुसीबत बन जाएगा, आपने देखा होगा 2/3/7 आ जाता है, तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कैसे होगा। सिंपल सी बात है, ये एक भिन्न के रूप में दिया था, ये बेचारा अकेले आ गया बाद में तन्हा सा, तो इसको क्या करेंगे, इसके नीचे एक छिपा के इसका भी जोड़ा बना देंगे, और ये जब जोड़े में बन गया ना तो इसका काम हो गया, और ये क्या हो गया, एक भिन्न के रूप में हो गया। अब हम ऊपरी वाली भिन्न को वैसे लिख लेते हैं, यानी 2/3, इसको पलट देते हैं गुणा का चिन्ह लगा करके, 1/7 हो गया, और वही तरीका यहाँ आजमाएंगे ये। क्लियर, समझ गए ना, इसके नीचे एक छिपा दिया, अब इसमें भी हम क्या करते हैं, इसको अंदर अंदर का गुणा है बाहर बाहर का गुणा है, जैसे भी मैंने अभी आपको बताया यम माइनस यन अपान यम एन, इसको आप पलट देंगे तो वन अपान यम माइनस यन हो जाएगा, यम एन कट जाएगा, डी इक्वल वन अपान यम एन आएगा, और यही आपका डी का मान कहलाएगा। बट अभी उत्तर नहीं आया, उत्तर अभी आएगा, तुरंत आएगा, नोट कर लिए, इतना जल्दी करें फटाफट, लिखते चले तभी मज़ा आएगा, वरना मज़ा नहीं आने वाला यहाँ पे, क्योंकि ये हाई स्कूल की गणित है, जिसे हाई स्कूल बोलते हैं,
पहला पार्ट तो आप लोगों ने शुरू का लिख लिया होगा, तो हम आपको और आगे दिखाते हैं। हो गया क्लियर? देखिए ये हमारा आ गया डी का मान। अब इसी को हम रख देंगे किसी भी क्वेश्चन में और आपका उत्तर आ जाएगा। अगर आपको ये सब बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा है तो आप बेसिक क्लास सीखिए, बेसिक गणित ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको ये सब क्लियर कर दिया जाएगा। बेसिक मतलब जीरो लेवल गणित, ये सब तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। ये सब बचपन की बातें थी शुरू की, है ना? जैसे जैसे मैं लिखता हूँ वैसे वैसे आप लोग नोट करते चलें, टाइम मैं आपको देता हूँ पूरा। अब लिखिए डी का मान, समीकरण किसी में भी चलिए ला के रख देते हैं, समीकरण एक में रख देते हैं मान लिया मैंने, तो ये हो जाएगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी का मान कितना है, वन अपान एम एन, है ना, इक्वल वन अपान एन। चलिए सिंपल सी बात है, इसको अंदर में गुणा कर देंगे, गुणा भाग आप करेंगे, इसको हल करेंगे, थोड़ा सा आपको झिल्लाएगा लेकिन उत्तर जरूर आएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा m अपान m n माइनस वन अपान m n इक्वल वन अपान n। इसमें आप m से m काट देंगे और ये बचेगा आपका, क्या बचेगा, वन अपान n माइनस वन अपान m n। तो ये हो जाएगा a प्लस, अब इसको आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, वन अपान यन माइनस वन अपान यम यन इक्वल वन अपान यन। देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, इधर आएगा ये कट जाएगा, यानी आप इसे लिख सकते हैं ए माइनस वन अपान यम यन, और ए का मान यहाँ से आपके सामने दौड़ता हुआ आ गया है, आप इसे लिख सकते हैं और आप कह सकते हैं क्या। देखिए बात गौर फरमाइएगा, यहाँ पे ये बराबर के उस साइड था ना, यहाँ पे ये कट गया तो कितना आया था, अरे भाई इधर ले आएंगे जीरो आएगा, सिंपल सी बात है, इधर साइड क्या है, जीरो है, और ये यम यन इतना जो आ गया ना, यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपके पास ए का मान का आएगा, जानते हैं क्या आएगा, ए बराबर वन अपान यम यन आएगा प्लस में। ये हो गया क्लियरली, इसको नोट कर लीजिए, छाप लीजिए, ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, क्या कह रहा था, सिद्ध कीजिए कि एम एन पदों का योग जो है वो कुछ दिया गया है, तो एम एन पदों का योग का फार्मूला लगा दीजिए, जहाँ जहाँ एन रखना है वहाँ वहाँ एम एन रख दीजिए, ए और डी का मान रख दीजिए और अपना उत्तर ले लीजिए फटाफट। चलिए ठीक है, जो मान दिए गए हैं मैं उनको छोड़ करके और सब मिटा रहा हूँ, अगर आपने नहीं लिखा अभी तक तो वीडियो को पीछे करके इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये है कक्षा 10 की गणित, ये ऐसे नहीं गलने वाली जी बिल्कुल, ये वो दाल है ना जो कि गलती नहीं जल्दी से, ये कक्षा 10 की गणित है जो इतना बड़ा देख रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे आपको एग्जाम में भी करना पड़ेगा, ये भी याद रखिएगा अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठने